हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग जो सम सॉल्व कर ले रिग्रेशन में, अच्छा खासा लेक्चर ले लिया हो। अभी वाला सम बहुत खतरनाक है इसके लिए, क्योंकि इसमें इक्वेशन दिए ले, क्या दिए ले अपनों को, दो इक्वेशन दिए। अब ये दो इक्वेशन से अपनों को बी वाई एक्स, बी एक्स बार ढूंढना है, आर ढूंढना है, एक्स बार ढूंढना है, वाई बार ढूंढना, पूरा गाउ ढूंढ के लिक्स में निकालना है, राइट। तो सबसे पहले क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन को आजू बाजू लिख दो। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये तुम्हारा सोल्यूशन है। अब ध्यान दो, ये पूरा पन्ना भर जाएगा तुम्हारा। तो सोल्यूशन में क्या है, पहला इक्वेशन एट एक्स माइनस एट वाई प्लस 66 इज इक्वल टू जीरो, ये एक इक्वेशन दिया है। थोड़ा लाइन मारा ऐसे मैंने, ऐसे ये इक्वेशन इसके बाजू में लिख दिया। क्या दिया है, 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 214। ये तुम्हारा फर्स्ट पेज है, ये तुम्हारा नेक्स्ट पेज है, ओके। अब इसको सॉल्व करो अच्छे से। तो अभी सबसे पहले क्या करना है, इसमें मालूम है क्या, अभी अपने को सबसे पहले ना ये इक्वेशन क्या पढ़ो, 8x माइनस 10y प्लस 66। इसमें y को अकेला कर दो, किसको अकेला कर दो, y को तन्हा रख दो, तन्हा मतलब आइसोलेट कर दो, दूर कर दो। तो इधर लिखने का 8x प्लस 66, ये माइनस वाई इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा प्लस 10y, माइनस इधर आया तो क्या हुआ, प्लस। इतना समझा, माइनस को क्या किया अपन ने, इधर शिफ्ट किया। अभी अदला बदली कर दो, 10y को आगे ले लो, अदला बदली, चल तू इधर आ तो उधर जा, सिंपल। y के साथ क्या नंबर है, 10, उसको भी y को क्या है ना, नाराजगी है, देवदास बन गया है। तो y के साथ जो नंबर है नीचे फेंक दो दोनों के, तो ये 10 इधर भी आएगा, 10 इधर भी आएगा। y एकदम अकेला चाहिए, y एकदम क्या चाहिए, अकेला। इधर आया 10, इधर आया 10, तो अभी y अकेला हो गया ना। सेम इधर करो, अभी सेम इधर करो, ये क्या है 40x है, ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। देखो ये इक्वल के है ना, इक्वल के बाजू में जीरो था, इधर इक्वल के बाजू में नंबर है, इधर नंबर नहीं चाहिए, इसको इधर ले लो। ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, फिर इक्वल डाला, ये माइनस इधर शिफ्ट हो तो क्या हो जाएगा, प्लस। ये माइनस इधर शिफ्ट हो गया तो प्लस हो गया। अभी अदला बदली कर दो, ये पार्ट इधर आन दो, ये पार्ट यहाँ आ जा दो। क्या क्या मैंने, इसको यहाँ लिखा और इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। अभी क्या करना मालूम है क्या, 40x माइनस 214, वाई के बाजू में क्या नंबर है, 18। वाई को अकेला रखना, तो 18 इसके नीचे आ जाएगा और 18 इसके नीचे आ जाएगा, राइट। इधर तक समझा। अभी क्या करना है, इधर ना M1 लिख दो, एक नाम दे दो M1, और इधर M2 लिख दो, क्या लिख दो, M2, और मॉड की साइड डाल दो, मतलब माइनस की साइड नहीं डालना है, ठीक है। तो अभी एक काम करना है, इसमें क्या वैल्यू लिखने का है, कौन सा वैल्यू उठाने का जो x के साथ है, किसके साथ है वेरिएबल, ये नंबर है x के साथ क्या है, 8/10। x के साथ क्या है, 8/10, x के साथ क्या है, 8/10। तो इधर x के साथ क्या है, ये नहीं लेना है, 40/18। तो एक को M1 दिया, एक को M2 दिया। अभी ना इसको कंपेयर करना है, कंपेयर करते वक्त मॉड की साइन डालना है, ओके। तो फिर इसमें माइनस नहीं देखना है। अभी देखो दोनों में छोटा कौन है वो बताने का, छोटा कौन है वो बताने का, राइट। एक छोटा लेना है, देखो ये है 8/10, मतलब 0.8 है, क्या ये 40/18, मतलब इसको डिवाइड करेगा तो 2 समथिंग आएगा, कितना आएगा, क्योंकि 18/18 36 होता ना यार, ये दो है, ये एक भी नहीं है, तो ये छोटा हो गया। तो छोटा कौन हो गया, 8/10। तो जो छोटा होता है ना उसको बी वाई एक्स बोलेंगे, जो जो छोटा है उसको क्या बोलेंगे, तो छोटा कौन है मालूम है, M1 है, छोटा कौन है, तो M1 क्या बना तुम्हारा, बी वाई एक्स। M1 क्या बना तुम्हारा, समझा था तक, M1 क्या बना तुम्हारा। अभी अपन को क्या निकालने का, बी एक्स वाई, क्या निकालने का है, तो ये छोटा है तो अपना क्या हो गया, 8/10 बी वाई एक्स हो गया। तो बचा कौन ये है ना, तो उसका उल्टा करना है, क्या करना है, इसका उल्टा करना है, इन्वर्स करना है, क्या करना है, तो अपने को मिलेगा बी एक्स वाई, क्या मिलेगा, ये बड़ा है ना, 40/18, उसको उल्टा करो, 18 ऊपर आएगा, 18 किधर आएगा, ऊपर, और 40 किधर आएगा, नीचे। तो अपने को बी वाई एक्स भी मिला, बी एक्स वाई भी मिला। तो दोनों में कंपेयर किया, जो छोटा निकला उसको मैंने क्या लिया, हमेशा वो लेने का, और जो बचा उसको क्या करने का, उल्टा करके क्या नाम देने का, बी एक्स वाई। अभी अपने को इधर ये ढूंढने का, आर ढूंढना है, क्या ढूंढना है, तो आर का फॉर्मूला मैंने बताया ना, प्लस और माइनस, क्या लिखेंगे, क्या फॉर्मूला है, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, तो दोनों प्लस है, मतलब राइट जा रहे तुम लोग। तो एक आएगा 8/10 और एक आएगा 18/40। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या करेंगे सॉल्व, तो 8 के टेबल में जाएगा ना ये, कितना बार जाएगा, 5 बार, 8 के टेबल में कितना बार जाएगा, 5, ये जाएगा ना 2 के टेबल में, 5 बार जाएगा, और 18 कितना बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो ऊपर 9 बचा है और नीचे 25 बचा है, क्या बचा है, 9 और 25। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 3, 9 का स्क्वायर रूट और 25 का 5, तो उसको सॉल्व करेंगे तो 0.6 आएगा, कितना आएगा, तो ये आर आ गया तुम्हारा, क्या आ गया। अभी एक्स बार और वाई बार भी निकालना है, क्या निकालना है,
तो x बार y बार कैसे सॉल्व करेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन की जैसे सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन को पढ़ो क्या दिया है, 8x माइनस 10y या प्लस 66 है। इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन के इस तरह शिफ्ट करना है। इसको लिख दिया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या पढ़ो, 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 214। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, सेकंड। इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है जो तुम लोगों ने टेंथ में किया था। तो ये क्या नंबर है, 8, ये क्या है 40, तो कैंसिल नहीं होगा। तो इधर को अपने को 40 बनाना है, क्या बनाना है, तो फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। एलपीबी में भी किया ना सेम वन में, तो सबको 5 से करो। तो 5 8 5 40x, 10 को पास 50 की नोट हो गई, 66 को पास से करेंगे, 660 का आधा 330 कितना हो गया, 330। तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से। अब इसको एज इट इज लिख दो, ऐसे ही लिख दो, सेम लिख दो, इसको सेम लिख दो, है ना। अभी साइन चेंज करो, इधर माइनस डालो, इधर माइनस डालो, इधर क्या डालो, माइनस, किधर प्लस आएगा, हाँ तो अभी माइनस माइनस प्लस होएगा ना, माइनस डाला है तो ये इसको इसको ऐड करेगा तो प्लस हो जाता है। पहले माइनस लिखने का रहता है, फिर दोनों को मिलाएगा तो प्लस ही होता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, कैंसिल हुआ, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ये 50 है, ये 18 है ना, ये 50 है और ये 18 है, 50 के बाद में कौन सी साइन है, माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 50 में से 18 गया 32, और बड़ा कौन है, 50 बड़ा कि 18 बड़ा है, 50, तो माइनस आएगा, प्लस माइनस, ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो इसको ऐड करना पड़ेगा, और माइनस की साइन आएगी, तो ये 4 होएगा, ये 4 होएगा, ये 5 होएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये 544 और ये क्या है, 32, है ना। तो अब इसको 8 के टेबल में काटेंगे, किसके टेबल में काटेंगे, 8, तो 8 के टेबल में 32 जाएगा, कितना बार जाएगा, 4 बार, 8 के टेबल में 32 4 बार, 54 तो नहीं जाएगा, 48 जाएगा 6 बार, मतलब बाकी लोगों को कैल्शियम लोग फटक से कर लेंगे, 12th के बच्चों को कैल्शियम नहीं, 6 बार जाएगा। तो ये 64 हो गया, कितना हो गया, तो 64, 4 के टेबल में 64 जाएगा ना यार, 4 के टेबल में 64 जाएगा, कितना जाएगा, ये होएगा 1, 2 डाला 24, 24 बोले तो कितना बार जाएगा, 6 बार जाएगा। मान लो वाई तुम्हारा 16 आ गया, वाई कितना आ गया तुम्हारा 16, करण आ गया, अभी अर्जुन ढूंढना है, करण आया ना, तो अभी इसको किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, फर्स्ट में, किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, या सेकंड में, तुम्हारी मर्जी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या पढ़ो, 8x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 66, कितना आ रहा है, किसको सॉल्व किया, तो 544 को ना, चलेगा चलेगा, वापस से सॉल्व करते, टेंशन नहीं है। क्या था इसका, 544 डिवाइड बाय 32, 4 के टेबल में कितना बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 40 है ना ये, 48, 6 बार गया, 64 हो गया, 64 कितना बार जाएगा, 8 के टेबल में 8 बार जाएगा, 68, फिर 17 आएगा, वेरी गुड, मैंने 64 ले लिया था, 68 आएगा, तो सॉल्व करेंगे तो 17 आएगा, तो वाई की वैल्यू कितनी मिली, 17, वाई की वैल्यू कितनी मिली, 17। अभी 17 किस में डालना है, फर्स्ट इक्वेशन में, किसकी जगह पे डालना है, तो पहले ब्रैकेट बना दो वाई की जगह पे, इधर कितना डाल दिया, 17, कितना डाल दिया, 17, इसको से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 170 होएगा ना यार, इसको से क्या क्या मल्टीप्लाई, कितना होगा, 170। अभी क्या करने का है, माइनस ही रहेगा, क्या जाएगा, प्लस। तो इसको इससे माइनस करेंगे, कितना आएगा, 170 में से 66 गया तो 104, 104 बचेगा, माइनस प्लस, बड़े की नंबर की साइन, 104 को 8 से डिवाइड करो भाई, 80 जाएगा 10 बार और 24 3 बार, तो अभी 13 आंसर आया। तो x कितना गया तुम्हारा, 13, x कितना गया, 13। तो ये x है ना, इसको क्या बोलेंगे, x बार, मीन ऑफ x बोलेंगे। ये y उसको क्या बोलेंगे, ये इक्वेशन वाला समय, तुम्हारा कौन सा वाला समय, इक्वेशन। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 5 मार्क का 4 मार्क का समय ऐसा आता है, ठीक है, खतरनाक है, 2-3 बार करेंगे आ जाएगा, ठीक है, थैंक यू।